ब्रोकन गाइटे यह एक मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी मूवी है। यह एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड या फिर पुराने समय की कहानी है जहां पर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया से पानी खत्म हो गया है और लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं। ऐसे सिचुएशन में एक आदमी और औरत ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक गाँव में पहुँचते हैं। यह बहुत ही अजीब गाँव है और यहाँ के लोग भी अजीब है। ये लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर्स को भी इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन्हें यहाँ पर सिर्फ 3 दिन के लिए रुकना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी जान यहाँ पर खतरे में है। तो आखिर ये किस तरह का गांव है, इसी के बारे में ये मूवी है। दोस्तों, मूवी में कहानी ना के बराबर है, कहीं पर भी स्टोरी प्रोग्रेस नहीं करती। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपको अमेजिंग सीन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मूवी का डायरेक्शन बहुत ख़राब है। पहले 5 मिनट में आपको कोई भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलता। इनफैक्ट 1-1 मिनट में ही आप टाइम चेक करने लगोगे। शुरुआत में आपको ये भी लगेगा कि मूवी का कैमरा वर्क ग्रेट है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, इतना ख़राब कैमरा वर्क मैंने किसी भी मूवी में नहीं देखा है। परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, एक भी कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते। कोई भी कैरेक्टर आपको पसंद नहीं आएगा, इनफैक्ट सभी को आपको मारने का मन करेगा। लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें कीड़े मकोड़े हैं और जो दिखने में भी बहुत गंदा है। इसके अलावा इसमें कुछ लोग भी हैं जो अजीब तरीके के कपड़े पहनते हैं। विलन के कैरेक्टर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, और कुछ लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं ये दिखावा करने की कोशिश की है। तो उन्होंने एक डिफरेंट कल्चर दिखाने की कोशिश की है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा डायरेक्टर ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि मूवी काफ़ी थ्रिलिंग और मिस्टेरियस है, लेकिन यकीन मानिए, एक सीन में भी ना मूवी आपको कहीं पर थ्रिल करती है ना कहीं पर आपको मज़ा आता है। इसमें कुछ एडल्ट सीन्स भी है, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सीन्स दिखाकर वो हम पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतने ख़राब एडल्ट सीन्स आपने किसी भी मूवी में नहीं देखे होंगे। मूवी की एंडिंग भी इतनी बकवास है कि उसे देखने से अच्छा आप मरना पसंद करोगे। ये लगभग 1 घंटा और 45 मिनट की मूवी है, लेकिन अगर किसी ने इसे पूरा देख लिया तो उसे ऐसा लगेगा कि वो इसे 4-5 दिन से देख रहा है। डायरेक्टर ने जो अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी दिखाने की कोशिश की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और स्क्रीन प्ले का तो क्या ही कहना, मूवी कछुए से भी धीरे धीरे चलती है। हिंदी डबिंग भी बहुत ख़राब है, और अगर गलती से प्रो ऑडियंस ने इसे देख लिया तो वो अपने आप को थप्पड़ मारेंगे। ओवरऑल दोस्तों, अगर आपको अपना कीमती समय बर्बाद करना है तो ही इसे आप देखना, या फिर अगर आपको आपके किसी फ्रेंड से बदला लेना है तो उसे आप ये मूवी दिखा सकते हो। मैं इस मूवी को 10 में से एक बहुत बड़ा अंडा देने वाला था, लेकिन यह उस लायक भी नहीं है। एंडिंग में और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इस मूवी का ट्रेलर भी मत देखना, वहाँ पर भी आपके 2 मिनट बच जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने डेडपूल 3 के ट्रेलर लीक के ऊपर वीडियो बनाया है, उसे आप ज़रूर देखना। इसी के साथ साथ मैंने आर्गाइल मूवी का रिव्यू भी किया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।